नारी शक्ति संगठन द्वारा राजेंद्र नगर क्षेत्र इंदौर में लगाए गए जत्रा मेले का रविवार शाम को समापन हुआ। मेले के अंतिम दिन महाराष्ट्र का प्रसिद्ध लावणी नृत्य मुख्य आकर्षण का केंद्र रहा। आयोजकों ने बताया कि क्षेत्र के रहवासी विगत 3 दिनों से जत्रा मेले में ही तरह तरह के व्यंजनों का लुप्त उठा रहे हैं। विगत 3 दिनों से सभी इंदौर की सराफा चौपाटी को भूल गए हैं। नारी शक्ति संगठन की सदस्य ने बताया कि 3 दिन कैसे बीत गए कुछ पता ही नहीं चला। मेले के अंतिम दिन सभी का मन भराया और सभी ने कहा कि हमें इस जत्रा मेले का इंतजार रहेगा। किस प्रकार का जत्रा यहाँ पे लगाया गया, क्या उद्देश्य लेके ये कार्यक्रम करवा रहे हैं? ये नारी शक्ति संगठन राजेंद्र नगर का स्थानीय महिलाओं द्वारा संचालित एक संगठन है और इस संगठन के द्वारा कई सांस्कृतिक गतिविधियाँ इस राजनगर उपनगर मंडल उपनगर में होती रहती हैं। पिछले इनका एक प्रयास था, आनंद मेला इन्होंने लगाया था, आनंद मेला नाम दिया था उसको जत्रा, तो वो एक दिवसीय था और अच्छा इनको रिस्पांस मिला था। ये जत्रा 3 दिवसीय जत्रा और आज जत्रा का समापन आखिरी दिन है। इस दिन महाराष्ट्र की लावणी, जो कि महाराष्ट्र में बड़ी प्रसिद्ध डांस माना जाता है उसको, उसका विभूति कला केंद्र द्वारा संचालित ये एक नाट्य कला केंद्र है, उनका एक आज प्रस्तुतियाँ, उन लोगों के बच्चों की प्रस्तुतियाँ यहाँ इस आज मतलब लावणी का प्रोग्राम है। आपका नाम? मैं संजय मिश्रा। था नारी शक्ति संगठन द्वारा जो हमारा आयोजित किया गया, उसमें जैसे कि हमने बताया कि 40 हमारे जो फूड जोन थे उसमें इतने शानदार और इतने लजीज फूड यहाँ पे अवेलेबल थे, महाराष्ट्रियन डिश से लेके तो तुम्हारे हिंदी साइडर से लेके सारी चीज़ें यहाँ अवेलेबल थी। मतलब यूँ देखा जाए तो 3 दिन लोगों ने सराफा को तक याद नहीं किया होगा यहाँ पे, और इतना इंजॉय किया सब लोगों ने कि यहाँ पर कल तो मतलब पैर रखने की भी जगह नहीं थी, इतना भीड़ थी यहाँ पे। और आज भी आज यहाँ पर लावणी होने वाली है, 3 दिन कंटिन्यूएशन में प्रोग्राम हुए, बच्चों को भी बहुत प्रोत्साहन दिया। आज 3 दिन का जत्रा का विवरण किया, 3 दिन में विशेष आपको सबसे ज़्यादा क्या पसंद आया, यहाँ का पूरी स्टॉल, यहाँ की प्रस्तुतियाँ क्या आपके? एक्चुअली कल डांस कॉम्पिटिशन हुआ था तो छोटे छोटे बच्चों ने यहाँ प्रस्तुति की, तो बच्चों को भी बहुत मज़ा आया और देखने वालों को भी बहुत मज़ा आया। आपका नाम? शिल्पा पाटीदार।